जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। धार्मिक दृष्टि से सावन के माह का विशेष महत्व है। इसमें भगवान शिव की पूजन की जाती है। सावन के माह में भगवान शिव की कृपा के अलावा धन की देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त रहेगा। यह महीना कुछ राशियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। कौन सी है वह राशि? कहीं उसमें आपकी राशि भी तो नहीं? आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आपकी राशि क्या कहती है जानें। धनु राशि। सावन का महीना धनु राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, फलदायी रहने वाला है। इस राशि के जातक जो हैं उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माँ की कृपा से इन्हें नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए सावन का महीना तरक्की लेकर आएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं या फिर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आप इस सावन के महीने में अवश्य नया कार्य शुरू कर सकते हैं या संपत्ति खरीदने का बहुत दिनों से आपके मन में कहीं चल रहा है, जमा हुआ है, तो आप खरीद सकते हैं। इसी प्रकार सिंह राशि। सिंह राशि के मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर अचानक धन प्राप्ति से दिखाई देगी। इनकी सेहत अच्छी रहेगी। इन्हें कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इन्हें इनकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा और तो किस्मत इनके पक्ष में है। यदि थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी सी कोशिश करें तो बहुत आगे जा सकते हैं, अच्छा खासा धन प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार मीन राशि वाले। सावन का माह इन राशि के लिए बेहद ही खुशखबरी लेकर आएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से इन्हें अचानक धन मिल सकता है। इस राशि के लिए यह महीना दान पुण्य के लिए काफ़ी उत्तम है। इन्हें वाहन सुख मिलेगा और यदि दान पुण्य करना चाहते हैं तो इस महीने में बिल्कुल हाथ पीछे ना करें। अवश्य थोड़ा बहुत दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, इसका इन्हें प्रतिफल बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। थोड़ा सा दान पुण्य करने से यदि दिल से ये कार्य करते हैं और भगवान शिव के मंदिर में शिवालय में जाकर कुछ पूजन अर्चन करते हैं, एक कलश यदि जल का लेकर ले जाकर भी समर्पित करते हैं तो इन्हें इनका बहुत ही अच्छा प्रतिफल प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार यदि आपकी राशि मिथुन है तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सावन का महीना शुभ संकेत लेकर आया है। ज्योतिषियों के अनुसार इस माह में जरूरतमंदों की मदद करने से इन्हें कई गुना पुण्यफल की प्राप्ति तो होगी ही होगी। इनके भाग्योदय के भी पूरे पूरे अवसर बनेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में इन्हें सफलता मिलने वाली, बहुत समय से जो मामले रुके हुए थे, जिनमें परेशान हो रहे थे, वह पूरे होने की पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ संभव है कि इस महीने में ये मामले सुलझ ही जाएंगे और साथ में कहीं ना कहीं से प्रोग्रेस होने की, प्रमोशन होने के पूरे पूरे चांसेस। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा ये माह हल्का रहने वाला है, लेकिन उन्हें यदि वह प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपकी राशि तुला है तो इनके मान सम्मान और धन वैभव में वृद्धि होने वाली है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सावन के माह में तुला राशि के जातकों पर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों की कृपा बरसने वाली है। इनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है, इसलिए वाणी के चलते इन्हें काफ़ी सम्मान मिलने वाला है। अवश्य थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी सी कोशिश करें, अपनी वाणी में जो मधुरता है वो बनाए रखें। इस प्रकार तुला राशि वालों को मान सम्मान और धन वैभव प्राप्ति के पूरे पूरे योग नजर आ रहे हैं। यदि आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। इस बार आप लोगों की, आप सभी की राशि बहुत ही उत्तम योग बता रही है। आप भी यदि थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं और विश्वास करते हैं, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय।